Subscribe to Adda247 and press the bell icon to never miss another update. देखो बच्चों, आज आपका पहला क्लास है, तो पहली क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. बेसिक कंसेप्ट इन द सेंस कुछ कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन वगैरह चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हिच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर. तो आपको इस नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. एक आपका 1/3 दिया हुआ है बेटा, एक आपका 1/5 दिया हुआ है, एक आपका 2/5 दिया हुआ है. तो एक काम करा करो, इसको 100 का गुणा करके इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिया फटाफट फटाफट, है ना. तो ये करीब 33 पॉइंट कुछ होगा, ये 20% होगा और ये क्या होगा 40% होगा. तो सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लगाना, 20%, 33.33% और 40%. तो कितना हो गया बेटा ये 1/5, 1/3 और 2/5. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्लियर है बात, समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूँ. ऐसे ही आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई 2/9 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 2/9 अपॉन प्लस 2/5. 2/9 देखो, आप ये बताओ, जैसे मुझे इसको जोड़ना है, जैसे मुझे 2/5 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 2/9 प्लस 2/5 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आएगा ये, और इन दोनों का नीचे गुणा करना है कितना आया. ठीक है बेटा, जो करना क्या है मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान देना आप लोग. जैसे मुझे मान लो 1/3 और प्लस 1/2 को जोड़ना है, ठीक है, तो क्या करना है, दोनों को गुणा करो नीचे 6, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस 2 × 2 = 2, 3 × 3 = 3. तो यहाँ 2 आया या 3 आया, बीच में प्लस लगा हुआ, जोड़ दो कितना हो गया 5, 5/6. इसी प्रकार आप लोग इसको ऐसे करना है, 2/9 प्लस 3/5, तो इनको आपको जोड़ना है. तो क्या करो, पहले गुणा कर दो इसको, 45 आ गया ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 = 10, 9 × 3 = 27, तो ये कितना आ गया 37. ठीक है, इसी प्रकार डिवाइड ऐसे इसको करना है आपको, 2/9 लिखा हुआ है ये 2/5 लिखा हुआ है. ठीक है बेटा, तो इनका गुणा कर दो आप पहले नीचे वालों का, 45 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 और ये प्लस कितना 18, तो ये कितना हो गया 28/45. तो ये बना आपका 37/45/28/45. तो आप ये जानते हो, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो उसका रिवर्स कर दो, 45/28, तो कट गया, तो आंसर वुड बी कितना 37/28. क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपने बचपन में बोर्ड मार्क्स का नियम पढ़ा था प्यारे बच्चों, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है तो आपका आंसर भी आने लग गया. ये जो क्वेश्चन है ना, तो पहले इसमें ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट आ रहा है, उसके बाद प्रेफर किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को करेंगे. डिवाइड होता तो पहले डिवाइड को करते, तो डिवाइड पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे. तो 18 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6.6, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा ये 24.6 अपॉन, नीचे कितना लिखा हुआ है, अगर नीचे देखो 3 संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 3 0 आ जाएंगी, और ऊपर 1 के बाद पॉइंट हटाऊंगा नीचे 1 0 आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से कटेगा कितनी बार बेटा 82, तो आंसर वुड बी 8200. तो आपके क्वेश्चन का आंसर सी 8200. क्लियर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो आपको आपको एडिशन करना है 2 + 2 + 2 + 2, आपको ऐसे एडिशन करना है. एक नंबर, मेरे शब्दों पे ध्यान देना बेटा, एक नंबर बार बार बढ़ रहा है, पहले एक बार आया, फिर दो बार आया, फिर तीन बार आया, फिर चार बार आया. तो हाईएस्ट कितनी बार आया, ये हाईएस्ट कितनी बार आया, चार बार आया, चार बार. तो 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, गिनती लिखनी है, और कौन सा नंबर है और टू रिपीट कर दो, गुणा कर दो बस, 4 × 8 = 3 × 6 = 4 और 2. ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 2 4 6 8. इसी प्रकार इसको करेंगे, यहाँ देखो पहले इसको जोड़ दो आप, पहले इनको जोड़ो 1 1 1 1 1 1 4 × 1 और 5 × 1, कितनी बार बनाया हाईएस्ट, 5 बार, 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर 1, तो गुणा करेंगे तो वही आएगा ना 1 2 3 4 5, बोलो बेटा. अब इनको जोड़ो आधा आधा, 1 फिर 1, 1 और 1 2, ढाई और जोड़ना है 2 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस्ड 25 30 अपॉन 1430 इन द लोएस्ट टर्म्स. देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, 25 30 अपॉन 1430 आंसर आ गया होगा आपका, 0 से 0 चला गया, 11 के पाले से काट दो, आ गया सबका आंसर. तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 1 टाइम, ये 3 टाइम्स और ये 23, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस. आपको बताना है इन नंबरों में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है बेटा. तो करते कैसे हैं वो मैं आपको बता दूं.
अगर अगर यहाँ पे पावर नहीं होती, ये पावर है ना, तो आप बड़े आराम से बता देते ग्रेटेस्ट नंबर 5 दिख रहा है यहाँ पर पावर। तो जब भी पावर आ जाए तो हमारे का काम है पावर हटाना। तो क्या करूँ, आप एक काम करो, ये नीचे 3 है, ये नीचे 2 है, ये नीचे 6 है, ये 3 का, 6 का और 2 का एलसीएम ले लो। एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, 6। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए सब में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में पावर में 6 इधर, 6 इधर, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करने पावर में, ये तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई पावर में, ठीक है। तो ये देखो, ये बन गया आपका बेटा, ये बन गया आपका 2 की पावर 2, ये बन गया आपको 3 की पावर 3, ये बन गया 1 की पावर 6 और ये बन गया 5 की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 27, ये हो गया 6, ये हो गया 5। तो बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, ये है। ये क्या था, 3 की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। तो याद रखना बोट मास, बोट मास का नियम याद रखना आप लोग। पहले बोट का मतलब पहले ब्रैकेट करते हैं, पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, ऑफ ऑफ जहां ऑफ लिखा आता है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये करते हैं, ठीक है। तो बोट मास का नियम आप याद रखना। जरा देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2, कुछ छेड़ नहीं रहा हूं ना, डिवाइड करना नीचे। अब पहले ऑफ करते हैं, पहले इनका गुणा करोगे आप, कितना, 60 × 3 डिवाइड, ब्रैकेट चालू है ना, 5 डिवाइडेड नीचे अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, देखो ये ऑफ है तो इनका गुणा करो, 25 डिवाइड माइनस 5 अपॉन, इनका गुणा करो 90 90, क्लियर बात। और डिवाइड डिवाइड 5, तो डिवाइड अगर 5 है, तो डिवाइड अगर 5 है तो इनटू करके इसको 1/5 कर दूं, 3 × 2 = 6, 6 से कटा 10 बार, तो ये आया 3/10, ठीक है। डिवाइड, ब्रैकेट चालू, 25 25 से 25 गया, तो ये आया 1/5, माइनस 5 से 5 गया, ये आया 1/90, 3/10। पहले डिवाइड को, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, ये आया 90 और ये आया 18 - 1, तो 3/10 डिवाइड डिवाइड 17/90। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 3/10 मल्टीप्लाई में ऊपर कर दो इसको, 17/90/17, 0 तो 0 चला गया, 27/17। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर दो उसको फटाफट। y बराबर 2x - 1 / x + 3, फाइंड x व्हेन y इज बराबर y इक्वल टू 1। यार y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू यहाँ 1 रख दो। समझ में आ रही है बेटा, y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो जरा देखो, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखू, 1 = 2x - 1 / x + 3, तो x + 3 = 2x - 1, तो 4 = x, ये इधर चलेगा ना, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो आपका यही आंसर। आपने बचपन में पढ़े होंगे, जैसे मैंने बोर्ड मास बताया आपको, जैसे मैंने आपको बोर्ड मास बताया था कि पहले बोर्ड मास के नियम को फॉलो करें सिंप्लीफिकेशन में। बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास में भी ब्रैकेट पहले पहले प्रेफर करते हैं। ब्रैकेट के भी 3 टाइम है, पहले पहले इस ब्रैकेट को प्रेफर करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को प्रेफर करेंगे, फिर इसको प्रेफर करेंगे। तो पहले जो इसके अंदर लिखा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके अंदर जो लिखा है इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके अंदर जो लिखा है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो जरा देखो, इतना इतना इसको 12 को छेड़ना है, ना इस 26 को छेड़ना है, -2 + 5। अब आप इसको पहले इसको सॉल्व करो, 6 में से 3 गया कितना बेटा, × 3 जी। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो देखो पहले आप ऐसा मत करना, पहले 2 + 5 कर दो, गलत हो जाएगा। पहले बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई आता है, उसके बाद एडिशन आता है। तो 5 दिया 15, 15 में से 2, 15 और 2 कितना, 17। तो 12 - 26 माइनस, ये कितना हो गया बेटा, 17। 12 माइनस कितना हो गया बेटा, ये 9। आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 12/13 × 285/96, ये डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई कर उसको, पलट दो। अब जरा देखो बेटा, देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 से 1 कट गया, और अभी जान तो 12 8 96 होते हैं, है ना। अब देखो ऊपर 285 है, नीचे 171 है, मैं ये जानता हूँ 171 19 का मल्टीपल है, क्योंकि 19 से 9 बार कटता है, बोलो हाँ या ना। तो ये चेक कर लो कि 19 से कट रहा है, 19 इनकम 19, कितना रिमाइंडर बचा, 9, 19 5 95, 15 बार कट गया।
फिर काट दो इसको 3 टाइम, इसको 5 टाइम, तो आंसर वुड बी 13 × 65 / 8 = 24। थोड़ा सा टेबल्स का भी जानकारी होना चाहिए, तो फिर आगे तो आप जानते हो कैसे किया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई व्हेन वाई बराबर 5। तो जहां वाई है वहां 5 पुट कर दो, 5 यहां लिख दूं, यहां पे 5 पुट कर देता हूं, है ना। यहां पे वाई की पावर 4, 5 की पावर 2 माइनस 5, तो 5 है ना, 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 × 5 × 5 × 5, 25 का स्क्वायर ही तो होता है ये। 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, ये 25 का स्क्वायर ही तो है ना बेटा ये, तो कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 25 माइनस 5, तो 5 मल्टीप्लाई 625 में 25 बटे 600, 595, ठीक है, गुणा कर दो 2501, 450 और 251, 2975, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2, सब सॉल्व ही करना है यार, करो तो सॉल्व फटाफट। 4 माइनस 27 प्लस 64 माइनस 36, बस सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो फटाफट इसको, पहले प्लस प्लस को जोड़ दो 68, फिर माइनस को जो 36 और 27, 36 में पहले 20 जोड़ दो 56, 36 36 प्लस 27, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, फटाफट कर दो इसको आप, एक काम करो, ये माइनस का क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा ये आपका ये वाला, और ये वाला प्लस इधर जाके माइनस, पहले इन दोनों को ऐड अप कर लो आप, इन दोनों को ऐड अप कर लो, 9876 प्लस 34.567, ऐड अप कर लो पहले आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, 6 × 4 = 10, हासिल लगा 1, 5 × 7 = 3, 10 × 1 = 11, अब माइनस करना है आपको 9908.221, इसमें से माइनस कर दो आप, 6 4 3.2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लो, करो फटाफट, आप ये जानते हो बेटा एल्जेब्रिक फॉर्म, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 4ab, इसको आपको ध्यान रखना है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab, क्या होता है बेटा, 4ab, तो जरा देखो 525, सुनो ध्यान से, 525 को मैं a मान लेता हूँ और 252 को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है बेटा, तो दिया हुआ है a प्लस बी, समझना बड़े ध्यान से, का स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 a माइनस b का स्क्वायर अपॉन a इंटू बी, तो अभी मैंने आपको सिखाया कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर होता है 4ab, और नीचे दिया हुआ ab, ab से ab कट गया, तो आंसर वुड बी 4, ऑप्शन नंबर b। वैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बोला जा रहा है सिंपलीफाई दिस नंबर, यार बताओ सिंपलीफाई दिस नंबर, ये बोल रहा है आपसे 5x x प्लस 2 प्लस 4, इसको सिंपलीफाई करना है, 5x का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x, तो 5x स्क्वायर प्लस कितना 14x, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको इसको, प्यारे बच्चों देखो कुछ नहीं करते हैं, देखो वेरी इजी, देखो कैसे, आप ये बताओ मुझे आपको क्या करना है, 6 9 6 9 6 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 9999 में, क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, 10000 - 1, 10000 में से एक घटाऊंगा 9999 आएगा नहीं आएगा, तो इस फॉर्म में लिखा करो इसको, इसका पहले गुणा इसमें करो, 6 9 6 6 6 9 6 9 6, 4 0 1 2 3 4 माइनस 6 9 6 9 और 6, माइनस कर दो, आपको सीधे सीधे आंसर आ जाए, क्लियर है बात, देखो इसको माइनस कर दो, ये 4 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 6, ये 9 और ये 6 6 9 6 8 9 0, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, दिस वन, इसको कंप्यूट करना है, मतलब सिंपलीफाई करना है,
क्या इसमें माता बच्ची करनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल, ये लो, सिंप्लीफाई तो करना है। 520 डिवाइड, नीचे डिवाइड है 5। मैं तो एक चीज जानता हूँ, 0 से 0 काट दूं, मैं ये जानता हूँ, ये जो 52 है ना, 4 13 का मल्टीपल, 13 चौके 52। तो देखो 13 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 13 13 दूनी 26, 4 और 3 13 78, 2 तो 60। 4 से काटू कितना, 65, और नीचे 5 है, आंसर वुड बी 30। अरे दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा? इसका मतलब क्या है, आपने ये नहीं पढ़ा है? इसके मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ट्राई करो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन नंबर। इसमें से क्या ट्रू है ना, इन नंबर को आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें आप ये तो जानते हो ना, ये जो नंबर है ये ग्रेटर नंबर को शो करता है, और ये नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करता है, शो करता है, ये जो सिंबल है ना। देखो मैं आपको सबसे सिंपल बता रहा हूँ, आपको ना आंसर कैसे बचना है, इतना टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैसे बनना है। पहले ये नंबर लिखो, ये 13/33 है, ये 32/47 है, ये 20/47 है, और ये नंबर है 25/27। देखो जरा मैं क्या करता हूँ, इनको आपको पहले पता करना है इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, तभी तो बता सकते हो। आप क्या करो, परसेंटेज में इसको चेंज करो, और चेंज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, कैसे गुणा नहीं करना, अंदाजा मानना है। ये बताओ, ये 33 से अगर 100 काटोगे, समझना मेरे शब्दों में ध्यान देना, अगर 33 से 100 काटोगे, 33 तो कितनी, लगभग 3 बार कटेगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा नहीं आएगा, 3 पॉइंट कुछ, तो 13 3 39, 39 पॉइंट कुछ आएगा नहीं आएगा, बताओ। अगर मैं इससे काट दूं, 47 दूना होता है 94, 2 पॉइंट कुछ आएगा नहीं आएगा, 2 पॉइंट कुछ, तो 2 पॉइंट कुछ का मतलब ये हो गया 64 पॉइंट कुछ, बोलो बेटा। ठीक है, ये काटूंगा वही 2 पॉइंट कुछ आएगा, ये हो जाएगा 40 पॉइंट समथिंग। इसको अगर मैं काट दूं, 27 27 चौके होते हैं बेटा 108, तो करीब ये कटेगा 3 पॉइंट कुछ, तो आंसर आएगा 75 पॉइंट कुछ, 75 पॉइंट कुछ। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात बेटा? तो सबसे बड़ा नंबर कौन, सबसे छोटा नंबर कौन है, बताओ मुझे। 13 बटे ये दसवन वाला, 13/33, ये किससे छोटा है, 20/47 से, ये किससे छोटा है, 32/47 से, और ये किससे छोटा है, 25/27 से। ये इसको सबसे बड़ा नंबर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ रही है बात? इस वाले क्वेश्चन को करो फिर आप, 6732.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 673.28, ये 0 बढ़ा दो यहाँ, फिर लो 67.328, एक जीरो और बढ़ा लो दोनों तरफ, फिर है 6 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 बढ़ा लो यहाँ, फिर पॉइंट 0 यहाँ पर, 67328 ऐड कर दो, सब सबको ऐड कर दो फटाफट फटाफट, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो फटाफट। छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। जैसे मान लो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जैसे मुझे 1 डबल 1 का गुणा डबल 1 में करना है, यहाँ 1 कितनी बार है, 2 बार है, काउंटिंग लिखो 1 और 2, फिर उल्टा चलना, 2 के बाद 1 आता है। जैसे मुझे 111 का गुणा 111 में करना है, यहाँ 1 कितनी बार है, समझना, 3 बार, 3 बार लिखो, 1 2 3, उल्टा चलो 3 के बाद 2, फिर 1, मान लो 4 1, ऐसा गुणा करना है मुझे, तो यहाँ 1 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, 3 2 1, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, मान लो मुझे गुणा करना है, मान लो 1 1 1 1 1 गुणा 1 1 1 1 1, यहाँ 1 कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, उल्टा चलो 5 के बाद 4 3 2 1, समझ रहे हो आप? जिसे इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं ना एक बार, देखो पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसको तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 7777 प्लस 7777 मल्टीप्लाई 7777 है ना, डेन टू, पहले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये दिया हुआ 5/77 मल्टीप्लाई 11/35 है ना, इसको काटोगे आप तो ये 7 बार कटेगा, इसको काटोगे ये 5/7 कटेगा, 7 से ये 7 1 1 1 1 और ये 1 1 1 1, बोलो क्लियर है बात? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7777
प्लस वन 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 इंटू वन 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 वन। अब जरा इसको देख लो, यहाँ कितनी बार वन है, चार बार है ना, तो इसको क्या लिखोगे, एक दो तीन चार, तीन दो एक, लिखोगे नहीं लिखोगे बोलो, बताओ बेटा लिखोगे इसको ऐसे। और ये लिखने के बाद बस को एड अप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इसमें कितना जोड़ना है आपको, सेवन 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 सेवन, बस एट नाइन टेन फोर टू वन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सब्सक्राइब टू अदा 247 एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट।